बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है बारबेक्यू। आज हम चिकन बारबेक्यू करेंगे। इसके लिए मैंने चिकन जो लिया है वो 1 किलो चिकन है ऑलमोस्ट, और इसके अंदर मैंने जो बोटी ली है वो छोटे साइज़ की ली है। आप भी इसी तरह से छोटे साइज़ की ले सकते हैं, चाहें तो बड़ी ले लें, वो आप पे डिपेंड करता है। और साथ में 1 कप मेरे पास दही है और ऑयल है, तकरीबन 4 चम्मच चाहिए, 4 टेबल स्पून। और टिक्का मसाला है, ये किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। 4 से 5 कुटी हुई हरी मिर्चें, बेसन है, पेपरिका पाउडर है और ओरिगैनो है, और साथ में हमारे पास सोया सॉस है। तो जल्दी से चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इसको मैरिनेट करते हैं। जी, तो हमने इसके लिए एक बाउल ले लिया। सबसे पहले आप दही लें और उसको अच्छी तरह से फेंट लें। अच्छी तरह से दही को फेंट लेना चाहिए, नहीं तो फिर ये कि बाद में ये बहुत तंग करता है, इसकी जो गुठलियाँ होती हैं बिल्कुल नहीं जाती, ये हमेशा स्ट्रेस देती है इस बात पर। और हमेशा इसलिए बताती हूँ ताकि जो नए आने वाले वो मेरी बात को मिस ना कर दें। तो इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लिया ये देखें, और अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें डालने लगे और साथ में अदरक लहसुन डालने लगे हम, ये तकरीबन 2.5 चम्मच है। और इसके अंदर हम कोई सा भी आप ले लें, टिक्का मसाला वो डल रहा है। और इसमें अब हम डालेंगे पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर तकरीबन हम इसमें 1/2 चम्मच डाल रहे हैं, और इसमें बेसन भी हम ऑलमोस्ट 1/2 चम्मच डालेंगे। ओरिगैनो डालने लगे हैं, वो भी 1/2 चम्मच है। और इसमें ऑलमोस्ट 1 चम्मच हम पपीते का आप कह लें पाउडर, या फिर इसको टेंडराइजर कह लें, ये चिकन या मटन को अच्छी तरह गलने में काम देता है। और इसमें अब हम डालेंगे तकरीबन 5 से 6 चम्मच सोया सॉस के। ये तरीका जो है, ये कमर्शियल आपको मैं देने लगी हूँ। इस तरह से बनाएंगे तो आप ज़रूर बाहर जाना भूल जाएंगे, बल्कि घर में ही बनाएंगे। ये देखें, ऑयल हम डालने लगे। ऑयल जो है उसे ऑयल से ये होता है कि जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा जूसी रहता है। बारबेक्यू में एक अलग सी उसके अंदर जूसीनेस आ जाती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है। इसको अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं होती बारबेक्यू में, बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा बनता है ये। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। अब जनाब हम चिकन का पीस पकड़ेंगे और इसके अंदर डिप करते जाएंगे, और सारा चिकन इसको 1 by 1 अच्छी तरह से हर तरफ से लगा लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर डीप कट्स लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रही क्योंकि मैं इसको रखूँ, काफ़ी देर तक रखूँगी मैरिनेशन होने के लिए, मतलब ओवरनाइट हम रखने वाले हैं। उससे ये है कि अंदर तक मसाला जज्ब हो जाएगा, तो कट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह अंदर तक जूसी रहेगा। इस तरह से आप सारा चिकन इसमें डाल लें और अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। तो ये अच्छी तरीके से हमने मैरिनेट कर दिया। अब इसको हम अच्छी तरह से ढक के फ्रिज में या फ्रीज़र में तकरीबन ओवरनाइट के लिए रख देंगे। ये मैक्सिमम टाइम है, आप चाहें तो 2 घंटे भी लगा सकते हैं, 6 घंटे भी लगा सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट रिज़ल्ट है वो आपको ओवरनाइट ही मिलता है। तो मिलते हैं आपको जब ये मैरिनेट हो जाता है, और उसके बाद फिर हम आपको बारबेक्यू करके दिखाते हैं कि कितना अच्छा और कितना मज़े का बना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जनाब ये देखें,
ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो गए। हम लोगों ने कहा था ओवरनाइट रखेंगे, लेकिन मैंने इसको फिर भी ज़्यादा रखा है। बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको सीफोम पे आपने कैसे लगाना है चिकन को, और फिर हमें बारबेक्यू करने की तरफ चलते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से इसको सीफोम पे लगाते हैं चिकन को। ये देखें जी, एक तो सीख होती है ऐसी बारीक, इस पे नॉर्मली क्या है कि सीख कबाब लगाते हैं। और ये देखें, एक होती है इस तरह की, चारों तरफ से वो होती है, मोटी होती है। इसमें सीख कबाब भी लगते हैं, लेकिन ये कि इसमें चिकन लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसके लिए हम लोग ये वाली सीख है ये यूज़ करेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दफ़ा हिला लें अच्छी तरीके से, इस तरह से जैसे होते हैं सुई में, ऐसे आप लगाते गए। एक एक सीख में तकरीबन 3-4 पीसेस जाने चाहिए। कुछ इस तरह से, और ऐसे ही हम बाकी सारे लगा लेंगे और फिर आपको मिलते हैं। ठीक है, देखें हमने सारी सीखों पे लगा लिए, और अब जनाब जो बारबेक्यू का हमने रखा हुआ है वो है अच्छा सा हमारे बारबेक्यू तैयार है। अब हम इसको एक एक करके निकालेंगे, बहुत गर्म है, ध्यान से निकालें। सारे निकाल लें इस तरह से एक एक करके, ध्यान रखें कि बोटी टूट ना जाए, इसलिए एक एक करके निकालें। क्या ही कहने, आप जब खा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चिकन कितना नरम है, बहुत नरम और बहुत जूसी है। आप भी ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तो इसको मैंने जो चटनी बनाई है साथ वो रखें, ये आपकी मज़ेदार सी एक प्लेट तैयार हो गई है। और साथ में आप इसके सैलड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके साथ नान कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे ही खा सकते हैं। ये देखें,
मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, अल्लाह नेगेबान।